हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम दोबारा से इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के कुछ यूनिक मिथ्स ट्राई करने वाले जो आपने इससे पहले कहीं भी नहीं देखी होगी। वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। चलते हैं हमारे पहले मिथ की तरफ। तो यहाँ पे भाई ने लिखा है, आफ्टर अपडेट गेम फिजिक्स चेंज हुई है। पहले एनसीपी को टक्कर मारने पर गाड़ी टूट जाती थी, अब एनसीपी टूट जाते हैं। भाई ये वाला मिथ तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। भाई इस मिथ को ट्राई करने के लिए हमें ओल्ड अपडेट में भी एक बार चेक करना पड़ेगा, बिकॉज भाई ने बोला था कि आफ्टर अपडेट, तो एक बार ओल्ड अपडेट में भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थार ले ली है एंड सामने मुझे एक टारगेट भी नजर आ चुका है, तो चलो यार इसको मैं ठोक देता हूँ। ओके भाई वेट, मैं जैसे इसको ठोक देता हूँ मेरा महिंद्रा थार का बम्पर अलग हो जाता है। भाई बम्पर के साथ साथ बोनट भी उड़ा के ले गए, भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। चलो यार इसको हम न्यू अपडेट में एक बार ट्राई कर लेते हैं। सो गाइस मैंने गेम को अपडेट कर लिया है, अब एक बार चेक करते हैं हमारी यहाँ पे थार को डैमेज होगा या फिर एनसीपी टूट जाएगा। तो यहाँ पे सामने एक मुझे लड़की नजर आ रही है एंड वेट भाई, जैसे मैं इसको उड़ाता हूँ भाई वो भी उड़ जाती है, मेरी गाड़ी भी चल रही है। नहीं तो इससे पहले अपडेट में क्या था, अगर हम किसी को ठोकते हैं तो हमारी कार एक ही जगह रुक जाती थी, बट अपडेट के बाद हमारी कार जो है सीधे बंदे को उड़ाते हुए ले जा रही है। ये मिथ आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना एंड मिथ इज कन्फर्म। चलते हैं हमारे सेकंड मिथ की तरफ। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है, भाई हेलीकॉप्टर और बाइक के बीच में जाके बैठ जाओ, हेलीकॉप्टर का चला पाओगे उतार के। ओके काफी अच्छा मिथ लग रहा है। तो चलो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हेलीकॉप्टर स्पॉन कर लेते हैं, उसका चीट कोड है 8000 एंड सेकंड हमें एक बाइक लेनी, तो यहाँ पे हम पापा की परी ले लेते हैं 0000 एंड चलो गाइस अभी दोनों के बीच पे जाके बैठ जाते हैं, देखते हैं आगे क्या सीन होता है। फिलहाल मैं यहाँ पे दोनों के ऊपर बैठ चुका हूँ एंड मेरा जो कंट्रोल है फिलहाल पापा की परी के ऊपर है। मेरा हेलीकॉप्टर के पंखे भी पता नहीं भाई चलने स्टार्ट हो चुके हैं। थोड़ा सा गाइस मैं बाइक को आगे पीछे कर रहा हूँ एंड मिथ में लिखा था कि आपको उतार के करना है, तो बाइक से अभी मैं उतर जाता हूँ एंड वेट भाई मेरे हाथ में यहाँ पे आ चुका है हेलीकॉप्टर का कंट्रोल एंड जैसे मैं यहाँ पे जॉयस्टिक या फिर थोड़ा सा रेस दे देता हूँ तो मेरा हेलीकॉप्टर भाई उठने लग जाता है। भाई आज से मेरा फेवरेट मिथ बन चुका है एंड आप लोगों को गाइस ये मिथ कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताओ एंड मिथ इज कन्फर्म। चलते हैं हमारे थर्ड नंबर के मिथ की तरफ। तो भाई ने यहाँ पे लिखा है, ब्रो एक मिथ है, अगर आप इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में मेगा रैंप चैनल पे जाके जब आप अपने हॉर्स को स्पॉन करके मेगा रैंप पे चलाओगे तो थोड़ी देर बाद आप अपने हॉर्स के ऊपर से गिर जाओगे, उसके बाद हॉर्स खुद भागेगा। क्या सही में ये चीज पॉसिबल है? चलो यार एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैं आ चुका हूँ मेगा रैंप के ऊपर, अब हम हॉर्स को स्पॉन कर लेते हैं एंड इसको चला के देख लेते हैं कि मिथ हमारा कंफर्म होता है या फिर बस्टेड। तो यहाँ पे हमारा हॉर्स आ चुका है, तो चलो इसकी हम सवारी करते हैं। यहाँ पे मेगा रैंप पे गाइस मैं हॉर्स को चला रहा हूँ बट कुछ यहाँ पे तो हो नहीं रहा है। भाई मुझे लगता है कि हमें नीचे जाना पड़ेगा, शायद से कुछ हो सकता है। तो चलो यार हम एक काम करते हैं, नीचे ले जाते हैं हॉर्स को। ओके एंड भाई यहाँ पे मैं सीधे सीधे फिलहाल तो जा रहा हूँ एंड वेट भाई यहाँ पे मेरा घोड़ा फिसल चुका है, मैं घोड़े से नीचे गिर चुका हूँ। वेट भाई मेरा घोड़ा भी यहाँ पे गिर चुका है, शायद से उठने का ट्राई कर रहा है। एंड वेट भाई ये क्या है भाई, वो तो भागने लग गया भाई, मेरा सोने का अंडे देने वाली भाई घोड़ी भाग गई यहाँ से। भाई पकड़ो इसको भाई, अगर ये भाग जाएगी तो भाई मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे। भाई आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते नहीं हो यार। भाई मेरे सोने के अंडे देने वाली घोड़ी को भाई पकड़ के ले आओ कोई, या नहीं तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। तो यार ये मिथ सबसे ओपी वाला था एंड मिथ इज कंफर्म। आप लोगों को गाइस ये मिथ कैसा लगा कमेंट्स में बता देना एंड ये हॉर्स गाइस कभी रुकता नहीं है भाई, एक बार आगे जो जाता है भाई भागता रहता है, कभी वापस आता नहीं है। आप लोग गाइस देख सकते हैं भाई कितना तेज यहाँ पे दौड़ रहा है भाई, वो बिल्कुल भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। चलते हैं गाइस हमारे अगले मिथ की तरफ। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, किसी भी एनसीपी को पिस्तल या गन से स्लो मोशन में मारने से ज़ॉम्बी जैसा आवाज करता है, चलो ट्राई करके देखते हैं। ओके गाइस तो अभी मैं अंकल के पीछे आ चुका हूँ एंड देसी कट्टा मैंने ले लिया हाथ में एंड भाई सीधे इसकी खोपड़ी तोड़ेंगे एंड भाई खोपड़ी तोड़ते ही देखते हैं स्लो मोशन में कैसा साउंड होता है। एंड भाई मैंने जैसे इसको शूट किया भाई ज़ॉम्बी जैसे इसने साउंड किया भाई, ओपी एंड मिथ इज कन्फर्म। चलते हैं गाइस हमारे लास्ट मिथ की तरफ। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप कोई भी वेपन लेके हमारे हाउस में जो बेड रखा है
उस पर जाओगे तो वेपन गायब हो जाएगा। प्लीज ट्राई दिस मिथ इन गेम। क्या सही में हमारा गन गायब होगा? चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एकेएम ले ली है एंड मैं अभी बिस्तर के ऊपर चढ़ जाता हूँ। एंड वेट गाइस, यहाँ पे मेरी जो गन थी गायब हो चुकी है। ओ भाई साहब, ये मिथ एक्चुअल में वर्क करता है भाई। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम आरपीजी लेते हैं और यहाँ पे मैं बेड से नीचे उतर जाता हूँ, दोबारा से बेड के ऊपर चढ़ता हूँ। वन सेकेंड, मेरी गन गायब हो चुकी है एंड मिथ इज कन्फर्म। अगर आप लोगों को इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर कोई भी मिथ पता है तो आप लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हो, मैं इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी ले आऊंगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जरा सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अगर गाइज आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट लेना चाहते हो तो कमेंट्स में रोहित ओपी लिख देना एंड मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर शाउट आउट दे दूंगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी खतरनाक वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।